वेलकम बैक वंस अगेन एंड आई होप आपको हमारे जो मेकओवर वीडियोस हैं वो बहुत पसंद आ रहे होंगे बिकॉज मेरे हमारी फैमिली एंड जिन फ्रेंड्स को हम पर्सनली जानते हैं उनसे तो हमें फीडबैक मिल जाते हैं, बट जो हमारे अदर सब्सक्राइबर फैमिलीज हैं उनका हमें पता नहीं चलता है। सो प्लीज़ अगर आप लोग को वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं देन फॉर श्योर हमारी वीडियोज़ के लिए, हमारे चैनल के मोटिवेशन के लिए वीडियोज़ को लाइक कर दीजिए और कॉमेंट कर दीजिए एंड हो सके तो किसी के साथ शेयर भी कर दीजिए। सो एनीवेज, अब जैसा कि आपने देखा हमारे लास्ट वीडियो में कि हमने हमारे फ्रंट यार्ड तो कंप्लीट हो गया था, देन वी स्टार्टेड बैक यार्ड वर्क। तो हमारा वेजिटेबल और फ्लावर्स का हमने ग्रो कर दिया है। सो नाउ आर नेक्स्ट स्टेप इज़ टू पेंट द डेक, दिस बैक यार्ड वाला डेक। तो वो अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एंड अभी वैसे धूप तो आ रही है बट रेनिंग का भी प्रेडिक्शंस आ रहा है, तो आई डोंट नो अभी हम लोग आज कर पाएंगे धुलाई कि नहीं, बट स्टिल वी विल ट्राई कि एटलीस्ट आज डेक हम लोग धो के रख दें। बारिश होगी तो होगी, जबकि देखी जाएगी, बट हाँ आज धुल जाए बिकॉज धोकर फिर उसको सूखने के लिए भी हमें रखना है एंड देन उसके बाद फिर हम हमारी डेक की पेंटिंग स्टार्ट करेंगे एंड आगे फिर स्टेप टू स्टेप आगे बढ़ेंगे। सो विल सी, अभी कोशिश तो यही है कि हम पहले डेक को वॉश करते हैं देन विल स्टार्ट पेंटिंग। हमारा डेक अब धुल कर सूख चुका है और अब हम सोच रहे हैं, ये देखिए कितनी ज़्यादा हद तक मिट्टी साफ़ हो चुकी है। पहले ये कलर तो बिल्कुल भी नहीं था, इट वॉज़ लाइक कम्प्लीटली ग्रेश। नाउ यू कैन सी द क्लीन डेक एंड अब हम सोच रहे हैं कि सबसे पहले बिकॉज ये डेक बड़ा है ना, तो हम सोच रहे हैं पहले यहाँ से ये जो रेलिंग है जो ये वुडन वाली, इससे हम लोग ट्राई करने की सोच रहे हैं कि पहले यहाँ से शुरुआत करते हैं पेंटिंग करने की। और मैं आपको मेरा एक और वन मोर एडिशन दिखाती हूँ कि मैंने और क्या नया लगाया है हमारे गार्डन में। ये देखो हमारा बर्ड हाउस। एक्चुअली आपने पहले देखा है इसको, मैंने ये लेकर आई थी, मैं यहाँ पर रख देती थी इसके ऊपर, बट अभी ये जो स्टैंड है ना मैंने इसमें हैंग कर दिया है। और ये जो ये बच्चे हुए हैं इनमें सोच रही हूँ शायद फ्लावर हैंगिंग फ्लावर बास्केट्स आती हैं छोटी छोटी सी, वो वाली हैंग कर दूँ। सो विल सी दैट लेटर कि वहाँ पे क्या करना है। बाकी तो यहाँ मेरा बर्ड हाउस है और मैं सोच रही हूँ अभी यहाँ पर नीचे, बिकॉज़ यहाँ पे सीमेंटेड है ना, तो ये अच्छा है, यहाँ पे खाने का हो गया इसका और नीचे मैं अभी जब अच्छी वाली गर्मी पड़ेगी, वैसे तो पड़ने लगी है बट कभी कभी गड़बड़ हो जाती है बीच में, जैसे अभी रिसेंटली मैंने दिखाया आपको ओले पड़ गए सडनली बारिश के साथ साथ ओले पड़ गए, तो वैसा भी हो जाता है। बट हाँ जैसे जून से जुलाई से तो मस्त समर हो जाएगी, तब यहाँ पर मैं सोच रही हूँ पानी का बोल भी भर के रख दिया करूँगी। और ये जो दिख रही है आपको चिड़िया, ये एक्चुअली आरुष जब हम लोग वैंकूवर विक्टोरिया घूमने गए थे ना, इसने एक स्टोर से ख़रीद ली थी एंड अननेसेसरली बस उसको ख़रीदना था कुछ, तो उसने ये पिक कर लिया और उसको लेके आने के बाद उसने कभी उसकी तरफ मुड़ के भी नहीं देखा, बेचारी एक अबेंडेंट चाइल्ड की जैसे पड़ी रहती थी यहाँ वहाँ। सो मैंने क्या करा, इसको उठाया और यहाँ पर उसको मस्त उसको टाई कर दिया और ये मेरी चिड़िया यहाँ रेडी हो गई। तो मस्त बर्ड हाउस विथ बर्ड, सो मस्त कॉम्बिनेशन हो गया एंड आई एम लाइकिंग इट। सो ये है मेरा नया एडिशन।
गुड मॉर्निंग, और ये देखिए हमारे पेंटेड डेक के ग्लिम्स सुबह सुबह। ये देखिए पूरा डेक पेंट हो चुका है, मतलब हमने इसको कल पूरा कंप्लीट कर दिया था। आई मीन अखिल ने, मेरे तो पैर में स्प्रेन हुआ है, एंकल स्प्रेन। सो ये पूरा पेंट हो चुका है, कल ये कंप्लीट हो गया था, और मतलब डबल कोट, इसमें डबल कोट लगी ना, तो डबल कोट वाला कल हो गया था पूरा। और बस अब ये अच्छे से सूख भी गया है, सो वी कैन ईजीली वॉक। बट स्टिल हम आज सोच रहे हैं कि इसको आज और छोड़ देते हैं, और फिर कल हम आगे की प्रोसेसिंग स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक वंस अगेन। और जैसा कि मैंने आपको दिखाया था कि हमारा डेक पेंट हो चुका है, और हम इसको थोड़े दिन, एक दो दिन के लिए और अच्छे से ड्राई करने के लिए छोड़ देंगे। सो फाइनली वो दिन निकल गए हैं, एंड मेरा भी एंकल थोड़ा बेटर फील हो रहा है। सो अब हम शुरू कर रहे हैं हमारा नेक्स्ट स्टेप। जैसा कि मैंने कहा था कि अब ये सूखेगा, उसके बाद हम लोग हमारे आगे की प्रोसेसिंग करेंगे, कि जो हमारा डेक पे हमें इंस्टॉल वगैरह करना है, तो बस उसी की तैयारी चल रही है। आप देख सकते हैं अखिल सामान लेके आने लगे, और आई थिंक आप लोग को समझ में भी आ गया होगा कि हम क्या करने वाले हैं। सो यस, हम लोग अभी हमारा गजीबो सेटअप करने वाले हैं यहाँ पे। If you want to attend birthday party, you have to do this. Can somebody even open the door for us? Yes, of course. Thank you. Wait. So guys, our structure is all ready. ये हमारा गजीबो का स्ट्रक्चर रेडी हो चुका है। बस अब हमें इसके ऊपर जो उसका क्लोथ है वो अटैच करना है, जो कि इस लड़के के कारण रह गया, बिकॉज ये चला गया था बर्थडे पार्टी में, जिसकी वजह से हमें हमारा काम रोकना पड़ा। सो ये हमारा स्ट्रक्चर रेडी हो गया है।
beautiful. I like. Do you guys like it? I like it so much. If I hope you like it, and if you like it, please subscribe our channel, bell icon, and click the like button on the top. And see you to the other vlog that we're gonna decorate this whole area. So see you to the next vlog.